अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, आज हम लोगों ने कुछ लेक्चर स्टार्ट करने हैं, थोड़ा सा थ्रेटिकल चीज़ों की तरफ आएंगे। लास्ट फ्यू लेक्चर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, दैट वाज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड कोडिंग। वो चीज़ें आपको करवाने का मकसद या पर्पज़ क्यों क्या था? एक तो ये था कि थोड़ा सा आप लोग फेमिलियर हो जाएँ। चलिए भाई, स्लाइड शो हो जाओ ऑन। अच्छा, ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाएँ रिगार्डिंग असेंबली लैंग्वेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अगर थ्रेटिकल आप लोगों को उस वक्त बता रहा होता ना कि कोड सेक्शन क्या होता है, फलां सेक्शन क्या होता है, तो मे बी एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि यार ये कोड सेक्शन क्या बोल रही हैं, ये रजिस्टर्स क्या बोल रही हैं, फलां रजिस्टर्स कहाँ पे यूज़ होता होगा। तो अब आपने कोई थोड़ा बहुत कोड शोड बनाया है, अपनी असाइनमेंट्स बनाई हैं, तो आई थिंक यू वुड बी फेमिलियर कि यार ये सब कुछ होता क्या है और ये क्या चल रहा होता है। तो हमारे यहाँ हम लम्स में भी हमारे पास एक जो टीचर ट्रेनिंग में भी हमें चीज़ें बताई जाती थी, वो ओवरऑल बाकी स्ट्रक्चर और यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी लोग पहले बेसिक चीज़ें और सारी थ्योरी करवाते रहते हैं और उसके बाद जब प्रोग्रामिंग पे जाते हैं तो होता ही है कि जब थ्योरी वाली स्टेज चल रही होती है तो कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं कि ये जो जो सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करती होंगी। अगर मैं उस वक्त आपको कहता ना कि कोड सेक्शन होता है, एक स्टैक सेक्शन होता है, एक डाटा सेक्शन होता है, तो शायद आपको एक एक कन्फ्यूजन्स रहती कि ये सब चीज़ें हैं क्या। सो इस वजह से हमने पहले कोड देख ली, अब हम जल्दी जल्दी सिर्फ ये गो थ्रू करते जाएंगे। वन थिंग सेकेंडली, कीप इन माइंड जो स्लाइड्स मैं आपको कहूँगा कि ये स्किप है, मैं अभी लेक्चर्स में साथ साथ बताता जाऊँगा, वो स्लाइड्स आपने बॉदर नहीं करनी और वो पेपर का पार्ट भी नहीं होंगी, एग्जाम्स का पार्ट भी नहीं होंगी। जो सिर्फ चीज़ें आपको बताऊँगा सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का पार्ट होंगी। चले स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, नहीं ये अच्छा, इसमें कुछ बुक का नेम लिखा हुआ है, वो बुक वगैरह आप देख लीजिएगा ज़रूर, उनसे हेल्प आउट कर लें। प्लस आपने ये करने हैं कोर्स डिस्क्रिप्शन के अलावा जो हमारे पास कोर्स की कुछ चीज़ें हैं, हाँ जी, ये प्री रिक्विजिट हैं, ये सब लोग आप लोगों ने DLD और ये वाले सब्जेक्ट्स वगैरह तो पढ़े होंगे, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन और कुछ IBM और PCs वगैरह से और डॉस MS-DOS से भी फेमिलियर होंगे। फर्दर हाँ, यहाँ से चलते हैं जी। प्रोसेसर की अंडरस्टैंडिंग बस ओवरव्यू जल्दी जनरली हम इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। अगर हम बॉटम अप व्यू बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम आपकी आपसे अगर इस प्रोसेसर को देखें तो इसमें डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं जो आपने पढ़े, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, मेमोरी होता है, प्रोसेसर होता है, IO कंट्रोलर होता है, IO स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स होते हैं, और कुछ कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये तो हमें जर्नल है। अच्छा, यहाँ पे है प्रोग्रामर के परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो स्टडी टास्क दैट द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स टू एग्जीक्यूट HLL हाई लेवल प्रोग्राम्स। प्रोग्रामर क्या करता है कि हाई लेवल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका सिस्टम या प्रोसेसर यूज़ कर रहा होता है और उसके ऊपर वो डिफरेंट बेसिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। कैन बी लर्न एट द मशीन लेवल। अच्छा, मशीन लेवल के ऊपर अगर वो डायरेक्ट बात करें जो कि हमारा हार्डवेयर भी जिसको अंडरस्टैंड करते हैं तो वो शायद एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं जो कि सिम्बॉलिक इक्विवेलेंट होती है, सिंबल बेस होती है और मशीन इंस्ट्रक्शन उसके अंदर डिफरेंट मशीन इंस्ट्रक्शन होती हैं जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बात करूँ तो अगर हम वो कहता है कि प्रोग्रामर किस तरह से देख रहा होता है या हम असेंबली लैंग्वेज को किस तरीके से बॉदर करते हैं, तो बॉदर करने का उसका तरीका ये है कि मूव AL5 मतलब 5 को AL रजिस्टर में मूव करवा दो, जो तो हमारी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन वो कहता है अगर यही इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज ना होती और ये अगर इंस्ट्रक्शन हमें मशीन लैंग्वेज के थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ती तो शायद हमें ये पूरे का पूरा ये एग्जीक्यूट करते और तब जाके दैट मीन्स दैट वी विश एंड वी वांट टू एग्जीक्यूट मूव AL5E वाली कमांड चल आ रहे होते। हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंस है या क्या इनके दरमियान लिंक है? वो कहता है कि जी असेंबलर इज डिवेल्प फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेसर। हर प्रोसेसर का याद रख लीजिएगा असेंबलर अलग अलग होता है और वो हमारे असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान लिंक करने के लिए यूज़ होता है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा हम एक अपना कोड लिखते हैं और MSM के थ्रू सबसे पहले उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उसकी फाइल को, अदरवाइज हम प्रोग्रामिंग तो असेंबली लैंग्वेज में ही कर रहे होते हैं। रीज़न टू लर्न द असेंबली, इसकी रीज़न भी यही है कि ताकि हम अपने जो डिवाइस के ड्राइवर्स हैं किस तरह काम करते हैं, हमारा सिस्टम किस तरह काम कर रहा होता है, रजिस्टर्स क्या क्या होते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें, कंपाइलर डेवलपमेंट एंड कोड ऑप्टिमाइजेशंस कर सकें। कंपाइलर डेवलपमेंट से मुराद ये कि जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर बनाते हैं तो उसके अंदर आपको पता है हम सब कुछ कवर कर रहे होते हैं, चाहे हम कोई प्रोग्रामिंग बेसिक लेवल की करें, मिड लेवल की करें या हाई लेवल की करें, कंपाइलर हमारा एक ही होता है और वो मेच्योर कंपाइलर होता है और वो तमाम इंस्ट्रक्शन को बॉदर कर रहा होता है। अ कॉन्सेप्चुअल ब्रिज बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड इन कंपाइलर एंड माइक्रो प्रोसेसर और रियल वर्ल्ड के जो हमारे कंपाइलर उनके दरमियान एक लिंक करने के लिए चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं।
कोर्स वर्क आपने बॉदर नहीं करना, क्विज असाइनमेंट, ये वेटेज आप लोगों की डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है आप लोगों का नंबर सिस्टम। हाँ यहाँ पे आते हैं जी, यस जल्दी जल्दी हम देखते हैं। हमारे पास कंप्यूटर में ऑन ऑफ बिट के साथ डाटा प्रेजेंट किया जाता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था 0 या 1। अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, 1 बाइनरी डिजिट इज़ नॉट एनफ टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। एक बाइनरी डिजिट तो नहीं कर सकता ना, हमारे पास अगर कोई बड़ा मैसेज है तो नीड एटलीस्ट 8 बिट कॉल्ड अ बाइट, दैट इज़ अ स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट्स। मिनिमम हमारे पास 1 बाइट होती है, और मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर आप यहाँ पे देखें 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स की इक्वल होगी, और 1 वर्ड जो है उसके लिए हमें 2 बाइट्स चाहिए होती हैं, और फिर इसी तरह एक डबल वर्ड्स के लिए हमें 2 वर्ड्स चाहिए होंगी, तो 2 वर्ड्स मीन 2 बाइट्स, और 2 बाइट्स मीन्स के 16 बिट्स चाहिए होंगी। तो ये जनरली आपने सिर्फ याद रखना होती हैं चीज़ें। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1 बाइट स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी नीड्स इंटरप्रटेशन। अच्छा ये इंटरप्रटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेमरी कॉन्टेंट, ये अगर मेमरी का कॉन्टेंट है 0100000 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नंबर 65 और लेटर ए, तो वो कह रहे हैं हम हमारे लिए ये वही बात इंटरप्रटेशन से मरा दिए कि ये वाले नंबर हमारे लिए याद रखना बहुत मुश्किल है, या तो हम डेसिमल्स को याद रख रहे होते हैं, या फिर हम हेक्साडेसिमल्स को याद रख रहे होते हैं, या फिर हम लेटर्स को याद रख सकते होते हैं। इट इज़ अप टू द प्रोग्रामर टू प्रोवाइड द इंटरप्रिटेशन, प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, वो हेक्साडेसिमल में काम करता है, डेसिमल में काम करता है, जिसमें भी काम करता है, अल्टीमेट उसको एक लिंकर और एक असेंबलर चाहिए होगा जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में चीज़ों को कन्वर्ट और ट्रांसफर कर रहा होगा, और हमारे पास फाइनली ये वाला फॉर्मेट हमें चाहिए होता है, 0 1 वाला फॉर्मेट। अच्छा जी, रिटर्न नंबर इज़ ओनली मीनिंगफुल व्हेन द वी डिफाइंड इट्स बेस, हर नंबर तब हमारे पास मीनिंगफुल होता है जब हम उसको बेस उसकी बताएं, अदरवाइज हमें नहीं पता होता ये डेसिमल है हेक्साडेसिमल है क्या चीज़ है। हेक्साडेसिमल जो है वो उसकी बेस होती है 25, हेक्साडेसिमल 25 इज़ रिटन इज़ 20, ये 25 बेस के साथ होता है। बाइनरी 0 1 होता है, इसको हम 101B लिखते हैं, और डेसिमल जो होता है ये जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम डी लिखते हैं डेसिमल्स को प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा ठीक है जी, जनरली कॉन्सेप्ट के परस्पेक्टिव से ये तो आपको पता है 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। MCB और LSB क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बिट्स लिखी होती हैं, अगर इस तरीके से जिस तरह ये मेरा माउस मूव कर रहा है, अगर हमारे पास कोई भी बिट या नंबरिंग लिखी हुई है तो उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MCB हम कहते हैं सबसे पहली वाली को, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं सबसे आखिर वाली बिट को। अब यहाँ पे ये जो 1 है मतलब 15 नंबर के ऊपर जो आ रहा है वो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, और लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा 0, और जो चूंकि काउंटिंग को और वो बिट को यहाँ से स्टार्ट करता है तो वो इसलिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमेशा ये इस साइड मतलब राइट के एंड वाली कॉर्नर को होती है, और लेफ्ट फर्स्ट कॉर्नर वाली MCB हमारे पास होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। अच्छा बाइनरी नंबर सिस्टम, अब पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह के भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे छोटे मोटे। ईच डिजिट बिट इज आइदर 0 और 1, 0 या 1 के फॉर्मेट में होगा, और कोई भी हमारे पास नंबर है अगर हमने उसको, अगर हम उसका डेसिमल बात कर रहे हैं तो डेसिमल नंबर के मतलब हमारे पास हमेशा ये होगा कि 2 रेज की पावर 0 के साथ। फॉर एग्जांपल 111 में ये लिखा हुआ है, तो ये जितने नंबर हैं तो 2 रेज की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और इंक्रीज करते जाते हैं, जिस तरह ये टोटल 8 नंबर हैं, तो इसलिए 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो ये 2 रेज की पावर 7 बन रहा है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर डेसिमल 1 है तो मेरे पास, अच्छा ये डेसिमल 1 को 2 रेज पावर 0 क्यों कर रहे हैं, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, 2 रेज की पावर 1 का मतलब है 2, 2 रेज की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 रेज की पावर 3 का मतलब होता है 8। ये हमारे पास जनरली डेसिमल वैल्यूज को बताया हुआ है, लेकिन आगे आगे हम देखते हैं कि इसको कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल, कोई भी हमें नंबर दिया गया, ये अगर हमें बाइनरी नंबर दिया गया और आपको ये नज़र आ रहा होगा ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी बेस क्या है 2। तो अगर मैं अगर आपको कहूँ कि ये कन्वर्टिंग बाइनरी टू, अब इसका डेसिमल नंबर क्या है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए तरीकाकार क्या होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करेंगे, ये पहली वाली बिट से शुरू करते हैं, इसकी बिट यहाँ से वो काउंट शुरू नहीं करता, राइट साइड से काउंट शुरू करता है, राइट साइड से काउंट शुरू करता है, और राइट साइड वाली काउंट को हम 2 रेज की पावर 0 से शुरू करते हैं, फिर 1 2 3 जो डिजिट्स होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, अब 2 रेज की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, 2 रेज की पावर 1 इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, 2 रेज की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, 2 रेज की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 8 आ गया। तो इसको हम सम करें तो 10 आ रहा था। हम इस सिंपली वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो बाइनरी नंबर लिखा होता है ये एक्चुअली डेसिमल नंबर ये है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं 10 बेस जो है उसका बाइनरी ये हो सकता है, या फिर इस बाइनरी का डेसिमल ये हो सकता है। तो क्वेश्चन अब मैं रिपीट कर दूँ, कन्फ्यूजन आके आप लोगों के पास ना हो, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है बाइनरी से अगर हम लोगों ने डेसिमल में जाना हो तो ये हमारे पास प्रोसेस होगा जी।
कन्वर्टिंग अनसाइंड डेसिमल टू बाइनरी, अगर हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो उसका तरीकाकार क्या होता है। डेसिमल से बाइनरी में हमारे पास जाने के लिए तरीकाकार ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो भी नंबर है हमारे पास हम उसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 37, 37 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इस वजह से हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर। अच्छा, ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट तो नहीं थी, इमेज था वो। यस, ये एक इमेज देखेंगे जरा। ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया होगा, सिर्फ ब्रशअप करवा रहा हूँ। कोई भी चीज़ अब जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 27 डिवाइडेड बाई 5 अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब 5 5 द 25, तो ये जो 5 ऊपर जा रहा है इसको हम क्वोशंट बोलते हैं और नीचे जो बच रहा है हमारे पास वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, बस ये याद रख लीजिएगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ, तो अगर हमारे पास 37 था तो इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो कहता है क्वोशंट 18, मतलब 18 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 36, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1। फिर अब 18 को दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हुआ 9, रिमाइंडर बचा 0। फिर हम लोगों ने 9 को फिर इधर लेकर आए, 2 पे डिवाइड किया, 2 4 8, 1 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे लिख दिया। 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 2 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 बचा, 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1, रिमाइंडर 0। अब 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसका रिमाइंडर बच रहा है, ऑब्वियसली वो वैसे तो 0 ही बनेगा। और इसको जब हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर मैं बात करूँ कि 37 का बाइनरी क्या बनेगा, तो हम जो भी हमारे पास ये टेबल बन जाता है उसको हम बॉटम से टॉप तक जाते हैं, तो हम लिखेंगे कैसे, 1 0 0 1 0 1 इज इक्वल टू 37। सो सिंपल वर्ड्स में 37 का बाइनरी क्या बन रहा है, 1 0 0 1 0 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मेथड होता है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अच्छा, बाइनरी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होती हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा, ये स्लाइड्स आपने नहीं करनी, ये सिंपल वैसे आपको बता दूं, आपको आइडिया है। अभी हम लोग पीछे पढ़ के भी आए थे, बाइट जो है वो 8 बिट्स की इक्वल होती है। एक वर्ड में 2 बाइट्स होती हैं तो मतलब 16 बिट्स हो गई। एक वर्ड, एक क्वाड वर्ड में 2 वर्ड्स होते हैं तो ये 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। और इसी तरह हमारे पास एक क्वाड वर्ड्स में 2 डबल वर्ड्स होते हैं। बस ये सिंपल आपके पास याद रखने की ज़रूरत है, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पेपर के परस्पेक्टिव से अब आपको हिंट बता देता हूँ आपने करना क्या है जी। जब भी आपके पास पेपर है, पेपर में इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चंस हैं, बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, ये किसी भी बाइनरी डेसिमल और हेक्सा डेसिमल तीन चीज़ों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो इस तरह का आपने टेबल बना लेना, टेबल बहुत आसान होगा। हमेशा बाइनरी के लिए जो आपने डिजिट्स रखने हैं वो 4 ही रखने हैं, ठीक है जी, कम नहीं रखने। सो 4 रखनी है, 4 का मतलब ये, अच्छा 3 की बेस के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं 4 की बात अभी फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूँ, 3 का भी मेथड सेम होगा। 4 है, आपने 4 0 बना लेने। अब अगर 4 0 में 1 सम करूँ तो इन, अगर मैं सम 1 करूँ तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 आ गया, बाकी 0 उसी तरह आ गए, बाइनरी वाला सम कह रहा हूँ। अब फिर 1 सम करना है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आता है और कैरी 1 जाता है और वो 1 नीचे आ गया। अगेन रिपीट कर दूँ, इस 1 में जब दोबारा मैं 1 सम करूँगा तो 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर वो कैरी 1 जाता है, वो 1 ऊपर चला गया और ये 1, वो कैरी वाला 1 नीचे आकर ये डबल 0। अब इस फिर 0 में 1 सम करेंगे, 0 प्लस 1 1 और ये वाला 1 0 0 उसी तरह आ गया। फिर इस 1 में सम करेंगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी 1 चला गया, फिर ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी वाला 1 नीचे आ गया और फिर 0 आ गया। इस तरह हम ये सम करते जाते हैं। कहाँ तक सम करते जाते हैं, हम सम करते हैं जनाब 9 तक। जब हम 9 तक सम करते हैं, 9 के बाद अगर मैं अगली बिट की आपको बात करूँ, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी 1 गया, 1 नीचे आ गया, 0 1। 9 के पास जो 10 होता है ना डेसिमल, हेक्सा डेसिमल्स में वो 10 नहीं होता, वो ए होता है, फाइन। और ये जाते हैं हमेशा 15 तक, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इसकी बेस के हिसाब से होता है वो, ये 15 तक जाता है। तो बात ये, मैं दोबारा भी स्लाइड्स पे आ रहा हूँ, 10 को हम ए कहते हैं, 11 को बी कहते हैं, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। अगेन मैं ब्रशअप कर दूँ, 4 0 से लिखनी है, हर एक स्टेज के ऊपर 1 सम करते जाना। यहाँ पे मैंने 1 किया, यहाँ पे जब मैंने 1, अच्छा यहाँ पे कोई बिट पकड़ लें, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, 1 0 0 1 पे आए, इस नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए फिर 1 सम करना है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 कैरी चला गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर 1 कैरी चला गया, ये 1 कैरी ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला 1 ऐसे ही आ गया। तो इस तरह हम ये टेबल आपने हमेशा बना लेना है। इस टेबल का मतलब क्या होगा, ये टेबल आपको तमाम तर क्वेश्चन सॉल्व करने में ठक करके मदद करेगा जी। इसको छोड़ दें, ये स्लाइड्स आपने नहीं याद करनी। यस, कन्वर्टिंग हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी नंबर, वो कहता है ईच हेक्सा डेसिमल डिजिट इज इक्वल टू 4 बाइनरी डिजिट, हर हेक्सा डेसिमल डिजिट जो है वो 4 बाइनरी डिजिट की इक्वल होते हैं। मैं अब आपको हिंट दे देता हूँ, आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया जनाब,
16A794, ये जनाब क्वेश्चन है और ये हेक्साडेसिमल है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो करेंगे क्या करेंगे, हम ये इसी तरह एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमने भाई जान 16A है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल हर वन के नीचे देखेंगे बैक पे है, वन का ये वाला कोड है 0001, हमने यहाँ पे 001 लिख दिया। तो हर डिजिट के सामने इस टेबल से हम उसका कोड लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ए है, तो मैं बैक जाऊँगा, ए का कोड क्या हम लोगों ने एक ही दफ़ा लिख लिया था 1001। तो हमें हर टाइम कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती, एक ही दफ़ा टेबल बना के रख लेंगे, उस टेबल से देखेंगे हर एक का बाइनरी कोड क्या बन रहा है, ये बन बन जाएगा। और इसको जब आप इकट्ठा सम करके देखते हैं, ना भी लिखें टेबल में भी रख रहे, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इट मीन्स दैट वी आर नाउ कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी में हम नहीं जा रहे, अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में अगर हम लोगों ने जाना है तो फिर उसके लिए हमारे पास तरीकाकार क्या होता है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके लिए हमारे पास प्रोसेस ये होगा, फॉर एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल जो है हमारे पास कोई भी है, हेक्साडेसिमल 1 2 3 4 है, तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, ये अब डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल होता तो हम इसको 2 की पावर 0 से शुरू करो थे। इसमें भी अब हम करेंगे स्टार्ट 4 से, बट हेक्साडेसिमल की चूँकि बेस होती है 16, तो 4 को स्टार्ट करेंगे। 4 × 16 = 0, अगर ये बाइनरी होता तो क्या होता, 4 × 2 = raise की पावर 0 होता। अब हेक्साडेसिमल है तो इस वजह से 4 × 16 = 0, 16 × 1, 16 × 2, 16 × 3, जितने डिजिट्स हैं उनको, और ये हमारे पास डेसिमल आ गया। अच्छा एक तरीका कार ये हो गया, हेक्साडेसिमल 3BA4 है, अब इसको हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका कार हमारे पास ये होता है, हम लोगों ने 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 से शुरू करना ना, 4 × 16 × 0। अब यहाँ पे ए था, ए को हम लोगों ने 10 लिखा है, यहाँ पे ए नहीं लिखा, मैं रिपीट कर दूँ, हम लोगों ने कहा था 10 would be equal to हेक्साडेसिमल में ए होता है, ठीक है, तो हमने वहाँ से अंदाज़ा लगा लेना है। बी को हम लोगों ने 11 लिखा है, ये देखिए बी को हम लोगों ने 11 लिखा है, बी नहीं लिखा, इस तरीके से हम लोग इसकी कन्वर्जन कर लेते होते हैं। ये स्लाइड छोड़ दें, आपके काम की नहीं है, हमें फजूल सी है। कन्वर्टिंग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जा रहे हैं, बाइनरी वाला तरीका कार है। पहले हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नंबर है डेसिमल में, और वो कहता है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये अब याद रख लीजिएगा। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, 422 है डेसिमल, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 16 पे डिवाइड कर रहे हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो किस पे डिवाइड कर रहे होते, 2 पे डिवाइड कर रहे होते, 16 पे डिवाइड करेंगे, जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 हमारे पास मल्टीप्लाई वे करेंगे 6 टाइम, तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं, कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे हम, क्वेश्चन 26, हाँ 26 × 16 करें तो रिमाइंडर हमारे पास 6 बच रहा है। अब यहाँ पे 26 है, 26 को दोबारा डिवाइड करें, 26 / 16, तो 16 को एक दफ़ा ही हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, जब 16 को एक दफ़ा डिवाइड करें तो 26 में बाकी रिमाइंडर कितना बचा, 10, तो 10 की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, ए, 10 नहीं लिखेंगे, 1 बच गया। इसको उसी तरह जब हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 0 होगा और रिमाइंडर हमेशा हमारे पास 1 आता है। ये पॉइंट आई थिंक आप लोगों को समझ लग गया होगा, 26 को जब मैं 16 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं एक ही दफ़ा इसका टेबल मैंने किया, 16 × 16, रिमाइंडर मेरा बचा 10, तो 10 नहीं लिखेंगे, 9 तक जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे हेक्साडेसिमल के केस में, 10 9 से ज़्यादा कुछ आएगा तो उसको हम ABCDEF तक जाएंगे जी। तो वो ये बता रहा है कि जना 422 का बाइनरी की तरह नीचे से ऊपर जाएंगे, 422 का हेक्साडेसिमल क्या बनता है, 1A6 मैंने लिख दिया जी। अगेन हेक्साडेसिमल एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये आ सकता होता है। हेक्साडेसिमल की एडिशन हम लोगों ने कैसे करनी है, मैंने आपको पहले एक हिंट दिया था, आप लोगों ने टेबल बना लेना है। एडिशन से मुराद ये है कि ए और बी को मैंने सम करना है, ए और बी को वो सम कर रहा है, और इंटरेस्टिंग थिंग इज, अच्छा अब हम लोगों ने वो, अच्छा ली सिग्नि, मैं ये आपको ली सिग्निफिकेंट बिट और ये मेन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ने दे रहा, मैं आपको बताता हूँ। ए स्टैंड फॉर 10, बी स्टैंड फॉर 11, 10 + 11 = 21, 21 को हम डिवाइड करेंगे 16 पे, तो 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 × 16, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 5। जो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है ना, वो सिर्फ एक रिमाइंडर हम लोगों ने यहाँ पे 5 लिख देना, ठीक है, और उसके बाद 1 कैरी चला जाएगा, 1 कैरी जैसे गया तो 6 और 4 10, अब 4 + 6 + 4 = 10, तो 10 तो ए होता है, यहाँ पे ए हम लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन चूंकि ये 1 जो रिमेंड 5 तो यहाँ पे लिख देते हैं ना, रिमाइंडर 1 ऊपर कैरी भी तो गया था, तो कैरी वाला 1 और 6 7 7 और 4 12 11 सॉरी 7 और 4 11 11 क्या बनता है, बी, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, B5। तो 6A + 4B = B5, मैं रिपीट कर दूँ, ए और बी को उसने सम किया,
21 बचे हैं हमेशा पहले वाले डिजिट्स को, मैं आगे भी आपको करके दिखाऊंगा ये वाली चीज़ें। 21 बचे तो 21 को 16 पे डिवाइड किया हम लोगों ने, 61 द 16, रिमाइंडर बचा 5। 5 आप यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर भेज देंगे, सॉरी क्वेश्चन ऊपर भेज देंगे, ये कैरी कर देंगे। कैरी 1 + 6 7, 7 + 4 इज इक्वल टू 11, 11 हमारे पास बी होता है। 8 और 8 होता है 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 16 करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है 0, इसलिए मैंने ये 0 कर दिया। और हमारे पास जैसे मैंने 0 किया तो क्वेश्चन, अच्छा रिमाइंडर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेकिन क्वेश्चन ऊपर जाना है ना, 16 8 और 8 16, तो 16 को 16 भी डिवाइड किया तो क्वेश्चन तो एक बचा, एक ऊपर चला गया, तो वो हमारे पास कैरी वाला 1 और 2 3, 3 प्लस इज इक्वल टू 5, 8 आ गया। एक तरीका कार हमारे पास है ये, याद रख लीजिएगा। एक मैं आपको आपको एक टेबल दिखाने लगा हूँ, उस पर भी हम जा सकते हैं। ये टेबल है, अगर आप लोगों ने ये टेबल भी याद रख लिया ना, ये सिंपल टेबल है। एफ तक काउंटिंग लिखें, 0 से एफ तक काउंटिंग लिखें और 0 से एफ तक काउंटिंग लिखें, फिर 10 तक, मतलब ये इस तरीके से आप लोग लिखते जाएं अगर आपने टेबल याद कर लिया। अब मैं आपको एडिशन का तरीका बताता हूँ। ए और बी को सम करना है, मैं पेन ऑन कर लूँ। अबे क्या हो गया, ए और बी को सम करना था, यहाँ से ए लें, नीचे आते जाएं और यहाँ से बी वाली लाइन पे आ जाएं। ए और बी की अगर हम देखें तो ये मेरे पास क्या बचा है, 15, 15 है, तो वही पुराना तरीका कर, 15 में पहला डिजिट 5 यहाँ पे लिख देंगे, 1 कैरी भेज देंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, 8 और 5 को वो कह रहा है डी बनता है, देखते हैं जी। 8 और 5, 8 वाली लाइन से आएंगे, 5 तक जाएंगे, ये 5 वाली रो है, क्या बच रहा है डी, कोई रिमाइंडर नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। 15 के केस में हम क्यों ऐसा कर रहे थे, जब ए और जब मैं ये ए वाली लाइन और ये बी वाली लाइन देख रहा था तो यहाँ पे 15 हो रहा था, तो इस वजह से 1 कैरी किया था, यहाँ पे तो कुछ कैरी नहीं बच रहा, इस वजह से हम लोगों ने इसको क्या किया, 8 और 5 प्लस डी और 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। सिंपल, ये तो जो हमें जो सॉल्व हो सकता है, 3 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8, ये तो सॉल्व हो सकता है ना। 8 प्लस 5 हमें नहीं पता कि क्या इसका आंसर आता है, ए प्लस बी का आंसर क्या आता है, तो हम इस तरह टेबल से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार देख लीजिएगा जी। 5 + 7, 5 + 7 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, मैं आपको वो भी बताता हूँ चीज़ें, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जी बैक वाली स्लाइड पे। ये देखें जी, 5 + 7 है 12, हम पीछे टेबल पे गए, हमने देखा भाई कि हम लोग 12 को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सी बोल रहे हैं, कौन सी स्लाइड थी मेरी, हाँ जी इसका तरीका कर देखते हैं। व्हेन अ बोरो इज रिक्वायर्ड, अच्छा अब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन कर रही है, सॉरी 5 - 7 की बात कर रहे थे, मैं सम करने के चक्कर में बैठ गया था। 5 में से 7 अगर हमने माइनस करना है तो 5 इज अ कैपिटल, 5 इज अ लोअर, 7 इज कैपिटल, 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। जब भी हम एक बोरो लेंगे ना तो ये कह रहे हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल को डील कर रहे हो, तो बोरो का मतलब हमेशा होगा वो 1 बोरो नहीं आएगा, मतलब यहाँ से 1 बोरो होगा ये 15 नहीं होगा, बल्कि हमेशा बोरो 16 आया करेगा। तो 5 + 16 इज इक्वल टू 21, 5 + 16 इज इक्वल टू 21, तो यहाँ पे 21 हो गया। 21 - 7 कितना बनता है, 21 - 7 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे जाते हैं जी, ताकि आपको मैं बता दूँ ई हम लोगों ने क्या लिखा, 21 - 7 इज इक्वल टू 14, और 14 मेरे पास क्या होता है, ई होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे हम लोगों ने एक बोरो किया था तो यहाँ से 16 माइनस नहीं करना, एक ही माइनस करना है, 6 बच गया, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आते हैं जी, आप 6 - 2 = 4, c - a देखते हैं जी, c क्या था 12, a क्या था 10, तो इसका मतलब है ट्वेल्व माइनस टेन इज इक्वल टू 2। ये मैं दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर दूँ, 5 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करने लगे थे, 5 कैपिटल है 7 छोटा है, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, एक बोरो लिया।
जब हम बोरो लेंगे तो ये हेक्साडेसिमल की बेस है, तो यहाँ से वन बोरो नहीं आएगा, पूरा का पूरा 16 बोरो आएगा। 16 + 5 इज इक्वल टू 21 हो गया, तो 21 - 7 इज इक्वल टू 14। 14 हमने टेबल में देखा वो ई होते हैं, यहाँ से फिर 6 बज गया, 6 बज। ये क्वेश्चन है, ये जितने क्वेश्चन हैं ये ग्रेडेड नहीं होंगे जी, आप गूगल क्लासरूम के क्वेश्चंस में या सिंपली आप, हाँ ये भी अपने पास क्वेश्चन आप रखेंगे, जिस जिसको क्वेश्चन में एक दिन ऑनलाइन एक वाइवा कंडक्ट करूँगा और एक ग्रेडेड एक्टिविटी कंडक्ट करूँगा, ये आपके मार्क्स में शामिल नहीं होगा, मतलब मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, अगर आप में से जो क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। वो कहते हैं वेरिएबल वन का एड्रेस ये है, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट वेरिएबल आफ्टर वेरिएबल वन इज दिस, हाउ मेनी बाइट्स आर यूज फॉर द वेरिएबल वन। वो कह रहे हैं वेरिएबल वन का एड्रेस ये था और फिर हम नेक्स्ट वेरिएबल पे किसी और वेरिएबल पे गए उसका एड्रेस ये आ रहा है, तो मुझे बताएं बीच में कितनी बाइट्स हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहना चाह रहे हैं दिस माइनस दिस आपने करना है और बताएं आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो जो आंसर आता है वो आप लोगों ने, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके कमेंट्स में आप लोग आंसर करते जाएंगे, कितने लोगों के आंसर आए हुए होंगे, बल्कि नहीं आपने इक्वली इसको एक दैट दैट दिस वुड बी द पार्ट ऑफ एन असाइनमेंट, और आप लोगों ने गूगल क्लासरूम पे इसको अपलोड करना है। अच्छा जी, साइन रिप्रेजेंटेशन छोड़ दें अभी। अच्छा हाँ, ये मैं आपको बता दूं, साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स का मतलब होता है 0 हमेशा पॉजिटिव को शो करता है, 1 नेगेटिव को शो करता है। तो वो ये कह रहे हैं अगर आप एक नंबर देखें तो नंबर देखकर बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैंने अभी रिपीट किया 0 पॉजिटिव को शो करता है, तो अगर 0 पॉजिटिव को शो करता है तो 37 वाला हम कोड यहाँ पे पूरा लिख लेंगे, बाइनरी जो भी उसका बाइनरी बनता है 37 का। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 37 का बाइनरी ही लिखेंगे, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ 37 का बाइनरी। अब ये जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है ना, ये ऊपर वाला बाइनरी और ये वाला बाइनरी बिल्कुल सेम है, और जब भी हम किसी नंबर को नेगेटिव करना हो तो हम उसके साथ शुरू में एक बिट 1 ऐड कर लेते होते, तो 1 का मतलब होता है नेगेटिव। तो किसी भी चीज़ के साथ हम बाइनरी नंबर के साथ कोई एक्स्ट्रा अगर 1 बिट ऐड है तो इट मीन्स के वो क्या है, नेगेटिव है। जिस तरह ये 6712 का बाइनरी कोड ये बनता है, उसने एज इट इज़ यही बाइनरी कोड नीचे रिपीट किया हुआ है, लेकिन जब इसको नेगेटिव की बात करेंगे तो वो साथ 1 ऐड कर देता होता जी। अच्छा जी बस ये छोड़ दें, बाकी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कम्प्लीमेंट होता है जी कोई भी डिजिट है अगर मैं उसका कहूँ कि 1 कम्प्लीमेंट्स करें तो उसका मतलब है तो उसका रिवर्स, उसका ओल्ट। अगर ये 196 है और मैं आपको कहूँ उसका वंस कम्प्लीमेंट लें तो जहाँ जहाँ 0 उसको 1 करते जाएँ और 1 को 0 करते जाएँ, 001 था यहाँ पे तो 110 मैंने कर दिया, तो ये दैट्स कॉल्ड वंस कम्प्लीमेंट। वो कह रहे हैं एड 5 एंड -5 यूजिंग 1 कम्प्लीमेंट। वो आज ये क्वेश्चन भी नोट कर लें जी, ये भी आप लोगों ने गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। पहले आपने, मैं हिंट दे देता हूँ, 1 का आपने लिखना है बाइनरी कोड, -1 का आपने लिखना है, -1 का भी मैं बता चुका हूँ सेम वही बाइनरी कोड होगा, लेकिन उसके शुरू के अंदर हम लोग क्या लगा देते होते हैं, 1 लगा देते होते हैं, ठीक है। और 1 कम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1 कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा कि वंस कम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि जो भी उसका बाइनरी कोड है, जो मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल ले लूँ, तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ 0 है उसको 1 करते जाओ, जहाँ 1 है उसको 0 करते जाओ। जहाँ पे ये भी एग्जाम्पल देखिए, तो 5 और -1 को वंस कम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए आपने ऐड करना है जी। क्वेश्चन नंबर 2, वंस कम्प्लीमेंट बता दिया मैंने, 2s कम्प्लीमेंट में नहीं बताऊंगा ज़रा, बिकॉज हम लोगों ने, हमारी क्लासेस हो नहीं रही तो क्लास एक्टिविटीज़ भी हमने करनी होती हैं, तो दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। 2s कम्प्लीमेंट ये मैंने पूरी स्लाइड में वैसे लिखा हुआ है कि 2s कम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, तो आपने 2s कम्प्लीमेंट ये क्वेश्चन देख लेना है। कहते हैं फाइंड 2s कम्प्लीमेंट ऑफ 2s कम्प्लीमेंट ऑफ 6, 2s कम्प्लीमेंट और 6 का कम्प्लीमेंट ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी रिप्रेजेंट टू, हाँ ये अगेन ये, अच्छा ये क्वेश्चन है वैसे आप लोगों के लिए, ये सॉल्व हुआ हुआ है, जिन जिन लोगों को अभी मैंने 2s कम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन बताया है वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, छोड़ दें ये स्लाइड्स नहीं है। CR और GR प्लीज़ आप लोग, जब मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूँ तो, बल्कि मैं यहाँ पे साथ साथ में करता भी जाता हूँ, बल्कि आप लोग याद रख लीजिएगा यार, वीडियो आप लोगों के पास होगी ना, ये स्लाइड्स आप लोगों ने नहीं करनी, बता चुका हूँ स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा ये वाला, वैसे इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, मैं वही चीज़ें हैं, MCB स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LCB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट,
ये टेबल आपके काम का नहीं है। नहीं बस ठीक है, नहीं छोड़ दें। आस्की, आस्की बता चुका हूँ, बस आपको पता होना चाहिए आस्की क्या होता है। टेबल ऑलरेडी हम बता बात करते हैं, छोड़ दें ये भी छोड़ दें। ठीक है, ये स्लाइड्स कंप्लीट हो गई आपकी। आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए जी, ये क्वेश्चंस ज़रा माइंड में रखिएगा और गूगल क्लासरूम में आपने अपलोड करने। और अगर गूगल क्लासरूम में आप लोग कैसे अपलोड करेंगे, हाँ सिंपली आप अपलोड कर देंगे ऑलरेडी, जो ऑलरेडी आप एक असाइनमेंट बना रहे हैं उसके साथ, पुरानी असाइनमेंट्स के साथ भी आप इकट्ठे मतलब 4 स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं, पुरानी वाली असाइनमेंट का भी स्क्रीनशॉट और इस वाली स्क्रीनशॉट, इस असाइनमेंट का भी स्क्रीनशॉट। सो सॉरी आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हुआ होगा, इतना मज़ेदार नहीं होगा, कोडिंग में हम बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं, चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। सो मैं अगेन रिपीट कर दूँ, अगर ये पार्ट मैं आप लोगों को पहले दिन पढ़ा रहा होता तो शायद आपको इतना समझ ना आ रही ना लग रही होती। सो हम लोगों ने थोड़ा सा कोडिंग को देखा, चीज़ों को देखा, इस वजह से हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच जी, नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।